पूरा हो गया, 2 महीने बाद राम जाएगा मोहन के घर जाएगा। टिक 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 गया, दरवाजा खटखटेगा, मोहन दरवाजा खोलेगा। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आप सभी का फिर से महेश सर के अकाउंट के दुनिया में स्वागत है। आज आपके लिए महेश सर लेकर आए हैं अकाउंट में नेक्स्ट टॉपिक, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। आज इसका सेकंड पार्ट है, इसके पहले इसका आ चुका है एक और पार्ट जिसमें मैंने बताया इसके इंटरटेनिंग अंदाज में थ्योरी। अगर आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जाके पिछला वीडियो जरूर देखिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपके पास अब से मेरे नए इंटरटेनिंग स्टडी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। इसका पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है जनरल इंट्री पर, यानी जिसका जनरल इंट्री क्लियर है उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लगाना बाएं हाथ का खेल है, और अगर आपका जनरल क्लियर ना हो तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, जाकर जरूर देखिएगा। तो ओके बच्चा लोग, अब हम लोग करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का न्यूमेरिकल सॉल्व। पर उससे पहले हम थोड़ा सा आपको इसका स्टोरी बता दें कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, यानी बिलों का एक्सचेंज जो विक्रेता द्वारा क्रेता पर, यानी सेलर द्वारा परचेजर पर जो बिल लिखा जाता है, उस बिल को जब परचेजर सिग्नेचर करके विक्रेता को रिटर्न करता है तो उसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें सेलर और परचेजर दोनों अपने वहाँ एंट्री पास करते हैं कि मैंने कितना माल बेचा, वो बोलेगा मैंने कितना खरीदा, कब मुझे पैसा देना है, कितना मुझे पैसा देना, सबका रिकॉर्ड रखते हैं जिससे वो कुछ भूले ना और समय से जाके अपना पैसा क्या करें, दूसरे पार्टी से ले लें। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, और इसी रिकॉर्ड को बोलते हैं हम लोग जनरल एंट्री। तो कैसे बनती है जनरल एंट्री, आइए देखते हैं। देखो इसमें दो पक्ष होते हैं, दो साइड होता है, एक होता है सेलर और दूसरा होता है परचेजर, यानी बायर और वेंडर। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में नाम दिए थे, राम क्या थे, विक्रेता थे, विक्रेता यानी सेलर, और मोहन क्या थे, क्रेता थे यानी परचेजर। देखो दोनों को वहां कैसे एंट्री पास होता है, और आपको भी इसी तरह एंट्री पास करना है, यानी दो पेज पर एक तरफ विक्रेता का बना लीजिएगा यानी सेलर का, और दूसरी तरफ बना लीजिएगा परचेजर का, और एक साथ दोनों एंट्री पास करते चलेंगे जब, तो आपको लगाने में बहुत इजी रहेगा। ऐसा ना करिएगा कि पहले एक का कर देना फिर दूसरे का करना, इसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। यानी दोनों को एक साथ करते चलेंगे, कभी हम लोग सेलर बनेंगे कभी हम लोग परचेजर बनेंगे। तो देखो सेलर अपने वहां सबसे पहली एंट्री करता है गुड्स को सोल्ड करने की, यानी सबसे पहले गुड्स क्या करेगा, वो सोल्ड करेगा। तो गुड्स सोल्ड करेगा किसको, मोहन को। देखो मोहन इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्रावी। तो ड्रावर सबसे पहले किसको माल बेचेगा, ड्रावी को। तो ड्रावी का मैंने नाम दे दिया, तो आप भी नाम लिख सकते हैं मोहन डेविड या ड्रावी डेविड कर दो। टू माल बेच रहा है तो सेल अकाउंट, यानी रिसीवर वाज डेबिट, गिवर वाज क्या हो गया क्रेडिट, नरेशन क्या होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, मैंने किसको माल बेचा, मोहन को बेचा। तो अब अगर राम मोहन को माल बेच रहा है तो मोहन अपने वहां एंट्री क्या करेगा, माल के खरीदने की यानी गुड्स के परचेज की। तो परचेज की एंट्री क्या होगी, रिसीवर वाइज डेबिट, आने वाला डेबिट कर सकते हैं। तो माल आ रहा है, जब माल का नाम ना पता हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू रिसीवर वाइज डेबिट। गिवर दे कौन रहा है, राम दे रहा है, तो लिखेंगे टू राम, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड, थर्ड फॉर्म बीइंग गुड्स परचेज्ड किससे से आए, तो फ्रॉम, किससे खरीदा गया, राम से खरीदा गया। तो पहली एंट्री होती है माल के खरीदने और बेचने की, जैसे माल खरीदा या बेचा जाता है वैसे ही विक्रेता यानी सेलर क्या करता है, लेखक यानी ड्रावर क्या करता है, ड्रावी पे एक बिल लिखता है, क्योंकि यहां पे क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हो रहा है उधार का। तो ड्रावर बिल लिखता है किस पर, ड्रावी पर। तो बिल लिखने की एंट्री नहीं होती है, उसके आगे जब आप एक और लाइन पढ़ेंगे उसमें बोलेगा
कि मोहन यानी परचेजर ने बिल को क्या कर लिया, स्वीकार, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब होता है दस्तखत कर दिया, यानी ये बिल है, बिल पे क्या कर दिया मोहन ने, दस्तखत कर दिया, और इस बिल को मोहन राम को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यानी बिल किसके पास आ रहा है, राम के पास आता है, राम ही इसको अपने पास रखता है, तो राम कहेगा मेरे पास बिल आ रहा है, आने वाला डेबिट, तो इसलिए वो क्या बोलेगा, बिल आ रहा है, यानी बिल रिसीवेबल, बिल क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो बिल रिसीवेबल इतना बड़ा नहीं लिखते, इसलिए शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, बी आर, बिल मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, किससे आ रहा है, रिसीवर वाज डेबिट, गीवर कौन है, मोहन, मोहन से बिल क्या हो रहा है मेरे पास आ रहा है, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग, बिल आ रहा है तो रिसीव्ड, किससे आ रहा है तो फ्रॉम मोहन से आ रहा है, और इसके साथ एक लाइन और बढ़ाइएगा, विथ कितने मंथ के लिए आ रहा है, ये मेंशन करना होता है कि बिल जो मैंने लिखा है वो कितने महीने का है, यानी सामने वाली पार्टी मुझे कितने महीने के बाद पेमेंट करेगी, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज जान लेना, नाम के बगल में अकाउंट नहीं लगाते हैं, और बाय मिस्टेक अकाउंट लग जाए तो क्या लगा दीजिएगा, ए पोस्ट ऑफिस एस, तो ये हो जाएगा मोहन का खाता, यानी आपकी एंट्री क्या हो गई, राइट हो गई। तो अगर यहां बिल आ रहा है तो यहां से बिल क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जब जाता तो जाने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, तो जब आपका बिल जा रहा है तो रिसीव कौन कर रहा है, राम, तो रिसीवर वाइज डेबिट, गिवर कौन है, आप, तो आपके पास से जो जा रहा है आप उसको क्या करें, लिख दे, क्लियर। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग, बिल जा रहा है तो बीइंग बिल गिवन किसको जा रहा है, टू राम को जा रहा है, तो लिखिएगा विथ, यानी बीइंग बिल गिवन टू राम विथ जितना दिन लिखा होगा, यानी जितना मंथ, वो मंथ यहां क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। देखो ये चार एंट्री, यानी हर साइड की दो दो एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में एंट्री पहले क्या होगी, पास होगी, ठीक है। इसके बाद का सिचुएशन चेंज हो जाता है, अब जब माल बेच दिया, बिल पा लिया, तो राम कहेंगे मोहन से, भाई तुम जाओ, अब हम तुमसे माल लो, सपोज कर लो बिल कितने मंथ का था, दो महीने का, तो अब हम तुमसे दो महीने के बाद क्या होंगे, मिलेंगे, जिस दिन हम आएंगे उस दिन हमको क्या दे देना, पैसा दे देना। तो देखो राम के वहां इस पैसे, यानी अब डायरेक्ट एंट्री किसकी होगी, पैसा पाने की, तो राम के वहां पैसा पाने की कुल चार एंट्री होती है, यानी कुल चार तरीके होते हैं, चार टाइप होता है, यानी ड्राइवर के वहां कैश रिसीव करने कुल कितने टाइप होते हैं, फोर, फोर में से कोई एक ही टाइप क्या होता है, यूज होता है। अब फोर टाइप कैसे होता है ये जानिए, देखो फोर टाइप में क्या है, फर्स्ट है सेल्फ, यानी खुद जाकर मोहन से क्या लेना, पैसा लेना, खुद जाकर मोहन से क्या लेना, पैसा लेना। तो देखो समय पूरा हो गया, दो महीने बाद राम जाएगा मोहन के घर जाएगा, टिक 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 गया, दरवाजा खटखटाएगा, मोहन दरवाजा खोलेगा, मोहन चुपचाप से बैठा है, तो राम गाना गाएगा, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, ऐ मेरे मोहन चल पैसा दे देना, खामोश क्यों हो, कुछ तुम भी तो कहो, तो मोहन कहता बस चुप हो जा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, चल बिल तू मुझको दे, यानी मोहन कहता है कि बुल बिल मुझको दे, तो राम कहता है ये तू मुझसे बिल ले, यानी पैसा पाने के लिए बिल का देना जरूरी है, यानी जब राम मोहन को बिल देंगे तभी मोहन कैश देंगे, तो यानी राम के वहां एंट्री क्या होगी, कैश आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, और बिल जा रहा है, क्योंकि राम ने बिल दिया तो मोहन ने क्या दिया, पैसा दिया, तो यहां पैसा आ रहा है और बिल क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग, कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव किससे, तो फ्रॉम मोहन से पैसा क्या हो गया, मिल गया। अब मोहन के वहां एंट्री क्या होगी, तो मोहन के वहां एक ही एंट्री होती है पैसा देने की, सिंपल सी बात होती है, मोहन को किसी से नहीं मतलब होता कौन बिल लेकर आया है, बस मोहन एक बात कहता है कि बिल दो और पैसा लो, तो मोहन के पास बिल आ रहा है, तो मोहन कहेगा बीपी अकाउंट डेबिट। देखो इस बिल को ड्रावी हमेशा बीपी बीपी लिखता है,
और ड्राइवर हमेशा BR लिखता है, यानी बिल रिसीवेबल, ये बोलता है बिल पेबल, इसके लिए लाइबिलिटीज होता है। तो बिल आ गया आने वाला डेबिट, अब क्या जा रहा है पैसा, तो जाने वाला क्रेडिट, ये बोलेगा बी कैश पेड टू, मैंने किसको पैसा दिया, राम को दिया, खत्म। तो यानी उसके वहां से अब खत्म, उसका सारी जिम्मेदारी क्या हो गई, मोहन की खत्म, मैंने पैसा क्या कर दिया, दे दिया। तो इनके वहां पहला केस था कि अगर हम खुद बिल को जाए क्या करने, कैश कराने, पर दूसरा केस आता है, और दूसरा, अब देखो इसके वहां हमेशा ये जरूरी नहीं है कि राम ही पैसा लेने जाए, मान लो राम को बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ गई तब, यानी राम 2 महीने का वेट नहीं कर सकता, राम को अभी पैसा चाहिए, तत्काल 10 दिन बाद चाहिए। राम की पत्नी ने कहा है मुझे जेवर चाहिए, अब राम बेचारे दुख धाम फंसा है, कहाँ से हम पत्नी को जेवर ला के दे, करी हम किनाए मतलब बा, तू हमारे खातिर जेवर लावा, तू कहीं से पैसा लावा। तो राम बेचारा फोन करता है मोहन के पास, अबे पैसा दे दे यार, तो मोहन कह रहा हम नहीं दे सकते, हम 2 महीने के बाद दे सकते हैं। राम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं कर सकता है, क्योंकि बिल पर डेट कितने महीने का लिखा है, 2 महीने का। अब बाबू राम चपा गए, अब पत्नी कह, मोहन कहते हैं पैसा नहीं दे, पत्नी कह रहे हमें जेवर चाहिए, पत्नी कह रही अगर जेवर नहीं लेके आओगे तो घर में घुसने नहीं देंगे, अब मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होता है आपको पता है, यानी पत्नियों की बात जब पति नहीं मानते उनके साथ क्या होता है। अब हम आपको दिखाते हैं WWE के अंदाज में रियल लाइफ फाइट। जी हाँ, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो अब राम फंस गया, राम को तत्काल पैसा चाहिए, राम करे क्या, तो देखो राम संपर्क करता है बैंक से, यानी राम सेकंड केस क्या होता है बैंक, यानी राम दौड़े दौड़े बैंक में जाता है और बैंक से कहता है हे बैंक, हे मेरे अन्नदाता, मुझे पैसा दो, मुझसे ये बिल ले लो, बिल एक्सेप्टेबल होता है, कहीं भी कोई एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि स्टैम्प पेपर पर मोहर लगा होता है कि जिस पे ये गारंटी किसी ने दिया कि हम आपको 2 महीने के बाद पैसा क्या करेंगे, पे करेंगे। तो वो सिर्फ बिल नहीं होता है, यानी ये जो दिख रहा है ये बिल नहीं है, ये क्या है, ये एक पैसा है, एक अमाउंट है, जिसको कोई भी क्या करेगा, लेकर आपको पैसा दे देगा। तो बैंक आपके मजबूरी का फायदा उठाता है, बैंक कहता है पैसा तो देवे हम पर कुछ डिस्काउंट काटेंगे, यानी हम आपको फुल अमाउंट देंगे, कुछ तो काटेंगे, कुछ मेरा भी फायदा होना चाहिए। तो राम कहता है जो भी दे यार, घर में एक मिली झाड़ू लेके बैठे लिए, जल्दी पैसा दे क्योंकि हमको जेवर खरीदवाना है। तो राम बेचारा फंसा है, देखो तो राम जब बिल को बैंक में देगा तो एंट्री क्या होगी, रिसीवर कौन है, बैंक, लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपके पास क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, यानी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, यानी रिसीवर वाज डेबिट, गिवर वाज क्रेडिट, बट इसमें डिस्काउंट आता है, यानी बैंक ने कुछ डिस्काउंट काट लिया आपका। तो ये राम के लिए क्या होता है, लॉस होता है, लॉस कहां जाएगा, डेबिट में। तो डेबिट में एक एंट्री और आएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, नरेशन हो जाएगा बींग कैश रिसीव किससे, फ्रॉम बैंक विथ जितना परसेंट बोलेगा वो परसेंट डिस्काउंट, यानी राम को पैसा किससे मिला, बैंक से। तो उस केस में ये एंट्री नहीं पास होगी, यानी जब भी राम कैश कराएगा या तो खुद जाए या तो बैंक से पैसा ले, यानी एक बिल को 2 जगह तो आप कैश नहीं करा सकते हो, या बिल को फाड़ कर तो कैश कराओगे नहीं, या तो आपको मिलेगा पैसा या तो बैंक से मिलेगा पैसा। अगर सवाल में क्वेश्चन में बैंक से पैसा मिल रहा है तब ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों में कोई एक एंट्री होगी। अब यहां पे मान लो बैंक जाएगा, जब समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, मोहन के घर बैंक गया, फोन कहेगा आप कौन, यस, बैंक कहेगा आई एम बैंक, मुझे राम ने बिल बेच दिया है सर, मुझे पैसा दीजिए। मोहन कहेगा हम कैसे माने, आपको बिल बेच दिया है। तो बैंक कहेगा दिस इज बिल, देखिए इस पर आपका सिग्नेचर है सर, एक्सेप्टेड। तो मोहन इस बिल को लेगा और तुम दाहिने हाथ से इसे इसे पैसा थमा देगा, किसको, बैंक को। तो फिर इंटरेस्ट के वहां यही होगा कि बिल आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, बस अंतर क्या है, यहां राम हटकर क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, यानी सेम एंट्री। इनके वहां पैसा पाने की कई एंट्री होगी, पर इसके वहां पैसा देने की सिर्फ एक ही एंट्री होती है, ओके। अब तीसरा केस क्या होता है, देखो तीसरा केस होता है,
दोस्त यानी इंडोर्सी विचारकर्ता बोलते हैं, हम अपनी भाषा में इसको दोस्त बोलते हैं। मान लो राम खुद नहीं जा पा रहा है पैसा लेने, समय पूरा नहीं हुआ है और बैंक मान लो चार दिन के हॉलीडे पे चला गया, छुट्टी आ गया, बैंक छुट्टी है और पत्नी दबाव डाले, नहीं हमको चाहिए चाहिए चाहिए, अब उसका फरमाइश पे चेंज हो गया, कहते हमको साड़ी चाहिए बढ़िया वाला साड़ी हमारे भाई के ब्याह पर। अब उसके भाई का शादी है, साले का शादी है, आपको पता है सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। सदा खुश रहो और खुश रहने दो, यानी वो कह रही नहीं हमको कपड़ा चाहिए, साड़ी चाहिए, जबरदस्त साड़ी चाहिए, मुझको किसी भी तरह साड़ी खरीदवाइए, पैसा कहीं से भी लाइए, राम के पास पैसा नहीं है। क्योंकि मोहन कह रहा हम पैसा कब देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, तो राम तो खुद जा नहीं सकता है, बैंक बंद है, तो राम फिर अपने फ्रेंड से संपर्क करता है, कहता है हे मेरे मित्र, हे मेरे परम सखा, हे मेरे कृष्ण, तुम मुझे पैसा दो, इस समय मैं बन गया हूँ सुदामा, तो मुझे पैसे की जरूरत है। तो दोस्त कहता है पैसा तो दे देंगे भाई, पर कुछ, यानी कुछ का उसका मतलब है कुछ गिरवी रखो। तो राम कहता है ये बिल है देखो मेरे पास, ये बिल ले लो और मुझको पैसा दे दो। तो कोई दोस्त अच्छा होता है, दोस्त डिस्काउंट नहीं काटे, कब डिस्काउंट कर ले तो फिर दोस्त का मतलब क्या। तो दोस्त पैसा दे देता है, यानी राम के पास से बिल जा रहा है और पैसा आ रहा है। तो देखो यहाँ पैसा आने की एंट्री नहीं करते हम लोग, लिखते हैं इंडोर्सी, इंडोर्सी डेबिट, यानी जब आप जिसको बिल बेचते हैं वो तीसरा पक्ष इंडोर्सी होता है, यानी प्राप्त करता है, विचार करता उसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिसीवर वाइज डेबिट और गीवर, आपके पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा था, आप लिखेंगे बी आर अकाउंट। तो नरेशन क्या होगा, बींग बिल इंडोर्स, इंडोर्समेंट टू इंडोर्सी, यानी इंडोर्सी कोई हो सकता है, आपका किसी भी दोस्त का नाम हो सकता है, ये हो गया तीसरा के। फिर अब बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास है, अब इंडोर्सी जाएगा 2 महीने के बाद, फिर मोहन बोलेगा यस, इंडोर्सी कहेगा आई एम फ्रेंड ऑफ राम, मैं राम का दोस्त हूं, राम ने मुझे बिल बेच दिया, मुझे पैसा दीजिए। मोहन कहेगा कैसे हम माने, तो कहेगा ये देखिए बिलवा, देखा था बिल, तो मोहन कहेगा हाँ कल है बिल हमारे पास में, पैसा हमके दे। मोहन से सिवे की मतलब है बिल कोई लाएगा हम उसको पैसा दे देंगे, तो फिर मोहन पैसा देगा, तो मोहन के फिर वही एंट्री, बिल आ रहा है पैसा जा रहा है, बस अंतर क्या होगा, बैंक हटके उस बंदे का नेम आ जाएगा जो इनसे क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है, नाम कोई हो सकता है, ठीक है। अब ये 3 केस आप समझ चुके हैं, खुद जाना, बैंक से पैसा लेना, दोस्त से पैसा लेना। अब चौथा केस आता है, देखो इधर वाली एंट्री हम इधर कर रहे हैं, ये मोहन में नहीं है, ठीक है, हम किसके वहां कर रहे हैं, राम में कर रहे हैं। तो ये चौथा केस आता है, ये क्या है, देखो इसका नाम है बैंक फॉर कलेक्शन। अब सुनो, राम जी बहुत बड़े आदमी है, आप सभी को पता है राम जी बहुत बड़े आदमी है, उनको याद ही नहीं है कि मैंने किसको किसको बिल लिखा है, किससे किससे पैसा लेना है, समझ रहे हैं। तो यानी ऐसे भी मार्केट में लोग होते हैं, ऐसे भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो बहुत सारा बिल लिखे होते हैं, जिनको याद ही नहीं होता किसका मैच्योरिटी कब पूरा हो रहा है, और अगर आप मैच्योरिटी पे पैसा लेने नहीं जाएंगे तो बिल एक्सपायर हो जाता है, यानी आपको मैच्योरिटी पे पैसा क्या करना है, लेना है। तो अब राम को इतना नहीं याद है, उसको फुर्सत नहीं है, तो राम क्या करे। तो देखो ये सारे काम आपका बैंक भी करता है, बैंक आपका सखा और दोस्त होता है। तो बैंक, राम का बैंक कह रहा है सर सारा बिल मेरे पास आप जमा कर दीजिए, आप डिपॉजिट कर दीजिए, यानी पैसा नहीं दे रहा है बैंक, बैंक कह रहा है कि सारा बिल मेरे पास जमा कर दीजिए, जिसका जब जब समय होगा तब तब हम जाकर क्या ले लेंगे उनसे, पैसा लेकर और आपके अकाउंट में पैसा क्या करेंगे, जमा कर देंगे। राम कह रहा है बहुत सही भाई, बहुत सही आइडिया दिए हो, हाई सारा बिलवा ही है, बिलवा है ना, है 2 बिल है मान लो राम के पास, राम का सारा बिल पकड़ भाई, बैंक को क्या करेगा, दे देगा। तो बैंक में सबसे पहले आप बिल को क्या करेंगे, जमा करेंगे, ये है चौथा केस, यानी जब आप ना जा पाए और बिल को बैंक को क्या करें, दे दे, और बैंक को पैसा क्या करेगा, आपके अकाउंट में जमा करेगा। देखो चौथे केस में 2 एंट्री होती है, एक बिल को जमा करने की और दूसरा मैच्योरिटी पे पैसा जब बैंक ले लेगा तो आपके अकाउंट में क्या करेगा, जमा कर देगा। तो पहले बिल आप जब बैंक में देंगे तो बैंक पा रहा है तो लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, यानी बैंक को आप जब बिल दे रहे हैं तो बैंक पर रिसीवर वाइज डेबिट, यानी बैंक डेबिट हो गया, गीवर आप है, आपके पास से क्या जा रहा है बिल, तो आप क्या लिख देंगे, बीआर अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बींग बिल हमने बैंक में दिया है तो बींग बिल सेंड टू कलेक्शन,
मैंने बिल बैंक में क्या कर दिया, बींग बिल सेंड टू बैंक, गड़बड़ हो गया। देखिए बींग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी बिल मैंने बैंक में भेज दिया, हे बैंक तुम इसको कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में जमा कर देना। मैंने भेज दिया, अब दो महीना हो गया, अब बैंक जाएगा, पहले को बैंक तुरंत नहीं आपके अकाउंट में जमा करता, पहले पाएगा तब जमा करेगा। बैंक गया, मोहन निकला, यस। बैंक कहेगा आई एम बैंक, आपका बिल जो राम ने लिखा था वो मेरे पास है और आप मुझको क्या दे दे पैसा। तो मोहन कहेगा कैसे मान ली तूरे पास बा, पता नहीं तुम कौन हो। तो कहता यस सर, ये देखिए बिल, ये इस पर आपका सिग्नेचर है, बैंक वाला ना इज्जत से बात करता है, इस पर आपका सिग्नेचर है। मोहन गंवार आदमी, अच्छा देखी दस्तखत बा, अच्छा हाँ हो तो वही बिल जो हम लिख ले राम के पसवा, हाँ तो वही राम हमको दिए हैं, चल पैसा दो। बैंक दिख रहा साला तब से बबो किया है तो बैंक थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, चल पैसा दे। तो मोहन कहता है यस सर क्यों नहीं पैसा देंगे। बिल मोहन लेगा और पैसा क्या करेगा, पे करेगा। जैसे पैसा पे करेगा देखो मोहन के वहां एंट्री फिर वही हो जाएगा, बिल आ रहा है और पैसा जा रहा है, बस यहां पर अब ये नेम कट के फिर क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। और जैसे बैंक पैसा लेगा और बैंक आएगा और आपके खाते में पैसा क्या करेगा, जमा कर देगा। अब जैसे पैसा मिलेगा बैंक को वैसे ही बैंक एंट्री क्या पास करेगा, बैंक लिखेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक को पैसा मिल चुका है तो बैंक को जब रिसीव करे तो बैंक डेबिट हो गया और आपके अकाउंट में पैसा जमा हो गया, तो अब एंट्री हो जाएगी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा आपका, कि नरेशन क्या हो जाएगा, बींग अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड टू द ड्यू, यानी भुगतान तिथि पर बैंक ने पैसे का कलेक्शन करके आपके अकाउंट में क्या कर दिया, जमा कर दिया। ओके बच्चा लोग, तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा, यानी पहले माल बेचना फिर खरीदना, बिल पाना बिल देना, पैसा पाने के कुल चार तरीके, इन चार मेथड में से कोई एक मेथड ही क्या होगा, यूज होगा, और इसके वहां तो सिर्फ यही तीन एंट्री क्या है, होती है। ओके, तो अब इस पर आएगा नेक्स्ट वीडियो, इसके न्यूमेरिकल पर। तो ये फॉर्मेट मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा, जिसको जिसको समझ में आ गया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए जो कि इसके किस पर है, न्यूमेरिकल पर है। तो ओके बच्चा लोग समझ में आ गया, ओके थैंक यू, जय हिंद जय भारत।